दवाई बनाने की कंपनी कैसे शुरू करें। दवाई के बिजनेस की बात करें तो आज यह सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि आज के टाइम में मेडिसिन में जितना प्रॉफिट है शायद ही किसी और बिजनेस में होगा। इसलिए आज बहुत सी दवाइयों की कंपनियां करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रही हैं। 2019 से पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी की चपेट में है। इस महामारी के कारण दवाइयां बनाने वाली कंपनियों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई है। ऐसे समय में दवाई कंपनी शुरू करने का ये सुनहरा अवसर है। आज हम आपको बताएंगे इस बिजनेस को कैसे शुरू करें, लागत, मुनाफा और लाइसेंस की पूरी जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दवाई कंपनी शुरू करने से पहले बिजनेसमैन के पास केमिकल का व्यवसाय शुरू करने के लिए बी फार्मा यानी फार्मेसी का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। अगर ये डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो आप इस कंपनी की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही बिजनेसमैन को फार्मेसी यानी दवाओं के कारोबार का अच्छा अनुभव होना चाहिए। अगर अनुभव ना हो तो किसी संस्थान से ट्रेनिंग या अनुभव ले लेना चाहिए। किन किन जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता होगी? दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करने के लिए कई तरह की परमिशन की जरूरत होती है। कंपनी का अच्छा सा आकर्षक नाम चुने। कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराए। केंद्र राज्य सरकारों के साथ स्थानीय प्रशासन के नियमों का भी पालन करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र ले लें। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस, टेस्टिंग लेबोरेटरी लाइसेंस, GST। दवाई के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी लाइसेंस जिसे ड्रग लाइसेंस भी कहते हैं, उसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के जरिए बनवाना होता है। आप स्टेट ड्रग कंट्रोलर के पास ड्रग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। दवाई बनाने के बिजनेस के लिए जरूरी मशीनरी और इक्विपमेंट्स। लिक्विड सिरप सस्पेंशन सेक्शन के लिए हाई स्पीड मिक्सर 1000 लीटर के लिए, स्टोरेज टैंक 1000 लीटर वाला जिसमें पहिए और ढक्कन हो, स्टोरेज टैंक 200 लीटर वाला जिसमें पहिए और ढक्कन लगे हो, लिक्विड फिलिंग मशीन, पैकिंग कैप सीलिंग मशीन, लिक्विड छानने वाली मशीन, मेज, कैप्सूल टेबलेट पाउडर बनाने के लिए, एयर कंप्रेशर, एयर कंडीशनर, बिल्स्टर पैकिंग मशीन, कैप्सूल फिलिंग मशीन, कैप्सूल लोडर, टैबलेट पंचिंग मशीन, कोटिंग पैन, सिफ्टर, मिक्सर 100 किलोग्राम वाला, ड्रायर ट्रे, डबल कोन ब्लेंडर, पाउडर भरने और सील करने वाली मशीन। इसके अलावा कुछ अन्य मशीनों की भी आवश्यकता होती है। दवाओं के बैच प्रिंटिंग मशीन, RO प्लांट, लैब उपकरण, एयर हैंडलिंग यूनिट। लागत कितनी लगेगी? दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत करना बड़ा काम है। इसमें बड़ी पूंजी लगाई जाती है। जो बिजनेसमैन एक बार में ही मोटी पूंजी लगाकर लंबे समय तक मुनाफा कमाना चाहते हो, उनके लिए ये बिजनेस आइडिया बिल्कुल सही है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 15-20 लाख रुपए की जरूरत होती है और अगर बड़े स्तर पर शुरू करते हैं तो करीबन 2-5 करोड़ तक या उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुनाफा कितना होगा? दवाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दो तरह से होता है। एक बिजनेस दवाओं के स्लॉट को कंपनी अपने नाम से पेटेंट करा लेती है तो उस स्लॉट पर उस कंपनी की मोनोपोली हो जाती है, उससे वो अपने स्लॉट की कोई भी कीमत वसूल कर सकती है। दूसरा, आजकल भारत में जेनेरिक दवाओं की डिमांड बहुत ज्यादा है। इस तरह के बिजनेस में कोई भी जेनेरिक दवा निर्माता किसी भी मशहूर कंपनी के स्लॉट को लेकर कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, उसका नाम रखता है, मतलब उसके नाम की नकल नहीं करता। उस स्लॉट का वो कोई भी बहुत बड़ा प्रचार नहीं करता है, केवल डॉक्टरों और बड़े बड़े अस्पतालों में अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है, इसलिए वो अपना प्रोडक्ट पेटेंट दवाओं के रेट से बहुत कम रेट पर बेचता है। इन दो तरीकों से इस बिजनेस को करने से बिजनेसमैन को अलग अलग तरह का मुनाफा यानी प्रॉफिट मिलता है। पहले तरीके यानी पेटेंट कराने वाले बिजनेसमैन को अपने सॉल्ट पर लगभग 50-60% तक मुनाफा मिलता है। दूसरे तरीके से यानी जेनेरिक दवाइयां बनाने वाले बिजनेसमैन को करीबन 25-30% तक मुनाफा मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ये थी दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करने की पूरी जानकारी। तो आज ही शुरू करें अपना खुद का बिजनेस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।